हे गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। तो गाइस, आप सब जानते हो हमारा हैप्पी हॉल एयर है, तो उसके लिए इस तरीके से फोटो में यूट्यूब पे अपलोड दिया, यूट्यूब वीडियो अपलोड दिया। आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप आराम से देख लेना। तो गाइस, आज मैं कुछ इस तरीके एक प्रोडक्ट करके दिखाऊंगा, तो उसमें पिक्चर और लाइट रूम के अंदर कैसे एडिट किया मैं दिखाऊंगा। तो भैया बहुत ही मेहनत लगी इस फोटो बनाने के लिए, देखो कितना एच डी है, कलरफुल है। तो इस फोटो में पिक्चर और लाइट रूम के सब बनाया। तो गाइस, पिक्चर के अंदर जब भी मैं एडिट किया तो ऐसा फोटो निकला। तो ये फोटो देखो कितना बुरा लग रहा है, बहुत ही अच्छे, काफ़ी अच्छे नहीं है। तो ये फोटो मैं जब भी लाइट रूम के अंदर एडिट किया तो फोटो हो गया। तो देखो लाइट रूम के अंदर कितना कलर करेक्शन, कितना अच्छी एडिटिंग होते हैं। तो उसके लाइट रूम का ट्रेनर जरूर देखना, फुल देखना। और गाइस, मैंने इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया, तो गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से जाके फॉलो कर लो और मुझे मैसेज करो वहां से। हे गाइस, आज का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होने वाला है। तो इस बैकग्राउंड में खुद ही बना लिया, फिर इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारा एक मॉडल ऐड करना होगा, जिसका बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी इरेज कर लिया। आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड, तो फिर आप देख लेना। और इसका ऐड करने के बाद फिर हमारा इरेजर में जाने के बाद फिर हमारा इरेज करना होगा, जिससे हल्के हल्के से हार्डनेस कमा के इरेज करना होगा, ऐसे कि हमारा स्मोक के साथ मैच कर जाए फोटो। तो और एक पेंट ऐड करना होगा, तो इस गाल पेंट यहाँ से लगा दो, ऐसा लगेगा हमारा फोकस हमारा मॉडल के ऊपर ही है। तो गाइस, इसके बाद हमारा इफेक्ट में जाना होगा, इफेक्ट में जाने के बाद फिर हमारा लेंस ब्लर चूज करके इसका ब्लर करना होगा, और इस हॉली बैनर को इसके हाथ में लगाना होगा। फ्रेंड्स, आपका ऐसा फोटो नहीं है तो फिर इस बैनर नहीं लगाना, तो फिर और ऐसा फोटो है तो बैनर लगाना। तो इसके अपेसिटी को थोड़ा सा कम लेना, कमने के बाद फ्रेंड्स इरेजर में जाना, इरेजर में जाने के बाद फिर जहाँ जहाँ हमारा हाथ है तो फिर वहाँ इरेज कर दो। तो वैसे आपका हिसाब से कर लेना एकदम अच्छे से, मैं जल्दी कर रहा हूँ कि मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबी ना हो जाए, मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबी हो जाए तो आप नहीं देखोगे फ्रेंड्स, वीडियो छोड़कर चला जाओगे। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करना, आप नहीं कमेंट नहीं करते तो बहुत ही बुरा लग रहा है, लगता है मुझे। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करना, तो आपका कमेंट पढ़ना मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर प्लीज़ कमेंट करना आपका माइंड में क्या है तो बताना। तो गाइस, इसका हो गया तो डन कर देना, एपेसिटी को फुल करके डन करने के बाद और कुछ पीएनजी हमारा ऐड करना होगा। तो गाइस, इस स्मोक पेंज में ऐड कर ले, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आराम से डाउनलोड कर लेना। और इसका हमारा गाल में लगाना होगा, यहाँ से ऐसा लगेगा हमारा गाल में रंग पड़ा है, तो इसका घुमा के लगा दो आपका हिसाब से। इसका थोड़ा सा आसपास इरेज करना होगा, ऐसे कि एकदम फेक नहीं लगे, एकदम ऑरिजिनल दिखना चाहिए। तो हल्के हल्के से इरेज कर दो, करने के बाद फिर इसको भी फिर उल्टा कर लो हमारा उल्टा गाल में लगाना होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स उल्टा करना होगा हमारा, और इसके बाद फिर हमारा एडजस्टमेंट जाना होगा, एडजस्टमेंट जाने के बाद इसका कलर में चेंज कर लूँगा, ह्यू को चेंज करके। तो गाइस, आपका हिसाब से कर लेना क्या कलर आपका अच्छा लगता है, तो मैं ये कलर रख देता हूँ। सो गाइस, इसका ऐसा लगा दो इस गाल में, ऐसा कि हमारा ऐसा लगे हमारा दो गाल में रंग पड़ा है, होली का रंग है। तो इसको भी हार्डनेस को कमा के साइज को बढ़ा के हल्के से इरेज कर दो आसपास, ऐसा कि एकदम ऑरिजिनल दिखने लगे। इरेज करने के बाद फिर डन कर देना, और इसके एपेसिटी को थोड़ा सा कमा देना, ऐसा कि एकदम ऑरिजिनल के जैसा दिखने लगे। और इस स्मोक पेन जो हमारा हेड में लगाना होगा, सो गाइस इसका घुमा लो, घुमा के यहाँ से लगा दो। लगाने के बाद छोटा सा छोटा कर लो, करने के बाद इसका ब्लेंड को करना होगा मल्टीप्लाई, ऐसा कि एकदम ऑरिजिनल के जैसा दिखने लगे। और इरेज करने इरेजर में जाके फिर एक्स्ट्रा जो पार्ट है तो इसका इरेज कर दो। और एक पीएनजी है ब्लू कलर, तो इसका हमारा लगाना होगा गला में, गलों में लगाना होगा फ्रेंड्स, टी शर्ट के ऊपर यहाँ से लगा देना, या इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद हल्के हल्के से इरेज करना होगा, हमारा हार्डनेस को कमा के साइज को हल्के से बढ़ा के हमारा इरेज करना होगा, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट हिस्सा है तो उसका इरेज करना होगा। तो बहुत ही होगा, तो फिर इसका ब्रेड को कर देना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमारा नीचे लगाना होगा, नीचे हल्के से लेना होगा, तो बड़ा कर लो, तो बहुत ही अच्छे दिखने लगा। तो गाइस हो गया, डन कर देना। डन करने के बाद और एक कुछ पेंज में ऐड कर लूँगा, इस होली का पेंज यहाँ से लगा दो, इस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से जाके डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करो, वेबसाइट में जाएगा तो मेरा वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के अंदर एक डाउनलोड बटन है, उसका क्लिक करके सब पीएनजी स्टॉक डाउनलोड कर लेना। और फिर फ्रेंड्स, इस पीएनजी सबको ऐसा सेट कर लेना रंग को,
सेट कर लेना, इसका ब्रेन को स्कैन करके सेट कर लेना। सो गाइस सिंपली यहाँ से डन कर देना, पिज्जा के अंदर हमारा काम ऑलरेडी ख़त्म है। तो सिंपली ड्रॉ के अंदर जाके आपका फोटो आराम से सेव कर लेना, ओके। तो सेव करने के बाद इस फोटो एकदम डायरेक्टली लेना होगा हमारा लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम के अंदर लेने के बाद फ्रेंड्स मैं एडिट करूँगा कलर कलेक्शन का, तो इस फोटो मैं लाइट रूम के अंदर बहुत अच्छे से एडिट करूँगा। तो गाइस प्लीज़ फुल देखो इस लाइट रूम का डिटेल, लाइट रूम के अंदर बहुत ही अच्छे एडिटिंग होते हैं। इसका ब्राइट में जाओ, ब्राइट में जाने के बाद कंसीलर कलर से बांधो और हाइलाइट्स कलर से कमा दो और एक्सपोजर कलर से तो बढ़ा देना होगा ही पहले से। तो गाइस शैडो कलर से बढ़ा दो और ब्लैक कलर से कमाना होगा, तो फिर ब्लैक हमारा नहीं चाहिए थोड़ा सा। तो इसके बाद हमारा जाना होगा कलर में, कलर में वाइब्रेंस को कैसे कमा देना होगा और मिक्स पर जाना और इस रेड को हल्के से ह्यू को हल्के से कमाना होगा, जैसे कि हमारा रेड जो कलर है तो इसका एकदम डिफरेंट कलर में लगे और सीजन को हल्के से कमा देना सके एकदम ऑरेंज दिखने लगे। और इस येलो को ह्यू को हमारा हल्के से कमाना होगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं कमाना, और सीजन को हल्के से कमा देना सके एकदम ऑरिजिनली की दिखने लगे, जो जो येलो कलर है ऑरिजिनली दिखने लगे, ऐसा नहीं लगेगा कि एडिट करा है। तो इस ग्रीन हमारा देखो फिर बैकग्राउंड के कलर है, तो इस ग्रीन को ह्यू को एकदम फुल कर दो, फुल करने के बाद इसके सीजन कलर से काम होता है, ऐसा कि एकदम ओरिजिनल की फोटो की जैसा लगे। तो इसके बाद हमारा ब्लू चूज करना होगा, तो ब्लू को आपका मर्जी से रख दो, आपका पास कौन सा कलर अच्छा लगता है तो आपका मर्जी से रख दो, मेरा मर्जी से मैं रख देता हूँ सीजन कलर से कमा दूँगा। और इसको फ्रेंड्स हमारा ह्यू को एकदम कमाना होगा, कमाने के बाद फ्रेंड्स सॉरी कमाना होगा, तुम्हें एकदम कमा दो ह्यू को, और इसका ह्यू को हमारा क्या करना होगा दे कौन सा अच्छा लगे तो फिर इसका भी कमा देना -56 कर देना। इसके बाद फिर हमारा फिर भी मिक्स पर जाना होगा, ऑरेंज कलर हमारा फेस के कलर आप जानते हो, तो ऑरेंज कलर हमारा एडजस्ट करना होगा। तो लुमिनेंस कलर से बाहर देना, सीजन कलर से कमा देना और आपका हिसाब से कर दो और ह्यू कॉल के से काम देना, जैसे कि एकदम हमारा मॉडल का जो फेस है उस बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाए, एकदम ऑरिजिनली एकदम सीवी इफेक्ट फोटो की जैसा लगे। तो क्लैरिटी कॉल के से बाहर देना इफेक्ट में जाके और ड्रेस कॉल के से बाहर देना। आप जानते हो हमारा ड्रेस के ऊपर ड्रेस ऑप्शन फोटो के ऊपर बहुत ही अच्छे लुक डालते हैं, एकदम एज लुक डालते हैं, तो ड्रेस कॉल के से आपका मर्जी से बढ़ा देना और पिगमेंट कॉल के से काम देना, जैसे कि हमारा फोटो के आसपास ब्लैक ब्लैक जैसा लुक आए। तो इसके बाद हमारा जाना होगा डिटेल्स में, शॉपिंग कलर से बाद देना, नॉइस सेटेशन कलर से बाद देना और कार्नर को बनना। आप जानते हो इस बारने की बात फ्रेंड्स हमारा फोटो के बाद जो सारे नॉइस था सब रिमूव हो जाएगा। तो गाइस देखो बिफोर कैसा था पिक्चर के अंदर और लाइट रूम के अंदर कितना अच्छी एडिटिंग हुआ। तो इसके लिए इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।